उत्तर प्रदेश के कानपुर में सड़क पार कर रहे युवकों को एक सिटी बस कुचलते हुए भाग निकली। मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए लोगों को शांत कराने की कोशिश की। जब माहौल शांत नहीं हुआ तो देर रात डीआईजी सोनिया सिंह हाथ में डंडा लेकर बवालियों के बीच पहुंच गई। उन्हें देखकर मिनटों में ही बवाल शांत हो गया। असल में अमन नाम का लड़का अपने मामा के बेटे के साथ काम खत्म करने के बाद घर जाने के लिए निकला। सड़क पार करते समय सामने से आ रही सिटी बस ने दोनों को कुचल दिया। घटना के बाद ड्राइवर बस लेकर भाग निकला। अमन को जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, वहीं मामा के बेटे की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। कुछ ही मिनटों में घटना से गुस्साए लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। सड़क पर आई दो अन्य सिटी बसों के चालकों के साथ उन्होंने धक्का मुक्की की और बस ड्राइवर का नंबर पता करने लगे। हंगामा कर रही पब्लिक ने दोनों बसों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई, लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ। देर रात सोनिया सिंह मृतक के घर पर पहुंची। उन्होंने इस दौरान मौके पर लोगों से भी बात की और शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान उनका पहनावा लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गया। वो सिविल ड्रेस में ही मौके पर पहुंची थी और हाथ में उन्होंने डंडा लिया था। डीआईजी ने लोगों को शांत करा दिया, लेकिन हालात को देखते हुए मौके पर QRT समेत फोर्स तैनात कर दी गई है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।